नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN24 और मैं श्रुति। आपको बता दें कि जनपद कुशीनगर एवं जनपद देवरिया के बीच संगम स्थल के रूप में इन दोनों सीमाओं के बीच स्थित छोटी गंडक नदी व मौन नाला का संगम स्थल है, जहां पर नगर पालिका परिषद हाटा के अध्यक्ष रहे वर्तमान विधानसभा हाटा के विधायक मोहन वर्मा के अथक परिश्रम से एक मुक्ति धाम का निर्माण कराया गया था, जिसका भव्य उद्घाटन समारोह किया गया, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय AK शर्मा, ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एवं कुशीनगर और देवरिया जनपद के माटी के लाल, प्रदेश के कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा यह किया गया। और आगे होने वाली है पूर्वांचल के लिए 5 साल के भीतर पटरौना में एक मेडिकल कॉलेज बना, यहाँ की टाउन एरिया जो है नगर पालिका बनाई गई और इसके अलावा भी अन्य कुछ टाउन एरियाएं बनाई गई हैं, साथ साथ में अन्य विकास के कार्यों को तेज गति दिया गया है। यहाँ हेतिमपुर में अभी देवरिया जनपद के भीतर 3 टाउन एरिया अभी बनाई गई है, ये हेतिमपुर में भी बनने की अभी पूरी संभावना है कि नहीं बन जाएगी। तो इस तरीके से लगातार कैसे विकास के काम को तेज किया जाए, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयत्न किया है। यहाँ जो कुशीनगर के भीतर बरवा फार्म है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लालू शोध प्रक्षेत्र था, वहाँ पर लगभग 12 करोड़ रुपया से एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। पोटैटो और गार्डनिंग का वहाँ पर एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं। गेंदा सिंह गन्ना संस्थान के भीतर 2.5 करोड़ रुपया देकर के उसको भी पुनर्जीवन दिए जाने का काम हमने कृषि विभाग से कराया है। दोनों योजनाएं कृषि विभाग से कराई हैं। यहाँ के 10 विकास खंडों के भीतर कृषि कल्याण केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 4-5 तो पूरा हो चुके हैं। वैसे आप ब्लॉक का पूरा हो चुका है तो भाई नगर का पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से विविध प्रकार के काम, यहाँ सड़क जो है हेतिमपुर से देवरिया जाने की बहुत ही खराब थी, आज बहुत अच्छी सड़क हो गई है। हाटा से देवरिया जाने की सड़क बहुत ही खराब थी, बहुत अच्छा हो गया है। हाटा से रुद्रपुर होते हुए बढ़लगंज गौरी घाट जाने की सड़क बहुत अच्छी कर दी गई है। इधर कप्तानगंज की ओर ले जाने का सड़क बहुत अच्छा कर दिया गया। तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा करके विकास के कार्यों को गति दिया गया है, निरंतर उस दिशा में आगे की। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में जो माननीय सूर्य प्रताप शाही जी के विधानसभा का भी क्षेत्र है, माननीय रमापति शास्त्री जी के संसदीय क्षेत्र का भी क्षेत्र है, उसमें हमारे वर्तमान यहाँ के विधायक हाटा के माननीय मोहन वर्मा जी ने एक अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका के, उन्होंने इतना सुंदर कार्य किया है, मुक्ति धाम का निर्माण किया है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि उसके लोकार्पण के समय पे आज हमको जाने का अवसर मिला। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस वक्त ही बड़ी खबर आ रही है फरुखाबाद से, जहां बीते दिनों कानपुर के थाना काकादेव क्षेत्र में युवती का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला, जिसमें परिजनों ने हत्या कर शव ट्रैक पर फेंक देने का आरोप लगाया था, लेकिन मामले में FIR दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते परिजनों ने रविवार देर शाम को मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान हिंदूवादी नेता से CEO अमृतपुर की नोकझोंक भी हो गई। वहीं अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर जाम खुलवाया और राहत की सांस ली। अजब सिंह, क्या आज आपने श्रद्धांजलि दी है, क्या है पूरा मामला? अभी तक वो न्यायालय पुलिस ने ना कॉल डिटेल ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी है और हम लोग जाके थक गए। दरोगा जी ये इंस्पेक्टर साहब ये कहते हैं आए दिन मतलब हमको पूछते बत्तीवी बात करते हैं, फोन करते हैं तो के आते कॉल डिटेल 10-15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर सर। अभी तक मिला 20-25 दिन हो गए हैं, अभी तक कॉल डिटेल तक नहीं दी है। किस बात की कॉल डिटेल चाहिए, क्या मामला हुआ आपके यहाँ ये तो हमें बताइए, कहाँ के दुर्घटना? कानपुर बच्ची पढ़ती तुम्हारी हॉस्टल में, वहाँ पर तैयारी कर रही थी सर। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और आपकी जो बच्ची पढ़ती थी कहाँ पढ़ती थी, क्या हुआ उसके साथ? फरका रहने वाले लाल दरवाजे पे। क्या नाम है? अजब सिंह। क्या का क्या नाम था? बिटिया का सालनी। क्या कब की घटना है, क्या हो गया? 27 तारीख 27 जून। क्या हुआ था? 27 जुलाई। हाँ 27 जुलाई को। क्या हुआ था, कहाँ पे क्या घटना हुई? वो हॉस्टल में वहाँ पढ़ती थी सर, तो वहाँ पे बताया गया कि उसने रेल ट्रैक पे मिली हमें वहाँ पर जी दूसरे रावतपुर ट्रैक पे। तो हम लोग वहाँ 28 तारीख पहुँचे, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पता लगा कि लड़की ने ऐसे हादसे कर लिया है। तो जो लड़की अच्छे पढ़ती लिखती थी वहाँ सर, और वहाँ कैसे एक दिन हादसा हो गया, वहाँ से हॉस्टल निकलती है बच्चा,
तो वहाँ से कैसे एकदम हादसा हो जाए बच्चा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं घर से कोई नहीं, पापा इच्छा करने लिए सर वो पढ़ रही थी, पढ़ा रहे डॉक्टरी लाइन पे पड़ी। तो आपको क्या लगता है वो उसने सर, हमें ये डाउट है कि लड़की को मार के फेंक दिया क्या, उसको उसको इंसाफ नहीं अभी तक मिल रहा है। आपने संबंधित थाना में जो भी थाना है वहाँ तक वहाँ गए आप, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई जी? अच्छा, हमारी एफ आई आर तक नहीं लिखी गई सर अभी तक। पुलिस वो उनने जो हॉस्टल वालों ने वो गुमसुदी एफ आई आर लिखाई थी उन्होंने, मतलब तो वो एफ आई आर हमारे तक नहीं लिखे, हम लोग परिवार के हैं, हम लोग मतलब उनकी माँ पिता है, भाई है सब है, पिता नहीं है माँ है, तो हमारी एफ आई आर सर लिखने की उनकी आप एफ आई आर लिखी। हॉस्टल वालों के आधार पर कार्रवाई कर जी, बस बस उन्हीं के आधार। अभी तक हमने गए दो बार तीन बार हुआ है, आपने यहाँ के जिले के कोई अधिकारी या किसी से मिलने कोशिश की? यहाँ सर अभी नहीं गए हुए हैं, भाई कानपुर तभी बताया जा रहा है, कानपुर वहाँ पे केस है, कानपुर गया। तो आपको क्या लगता है उसके साथ कोई दुर्घटना? कोई हाँ दुर्घटना आई, अभी प्रदर्शन कर रहे थे, इंसाफ की मांग कर रहे थे, लड़की की क्या है पूरा मामला? अभी जैसे सूचना मिली हम सभी लोग आए, एक सालनी गिहार नाम की लड़की के बारे में जानकारी हुई कि वो एक महीने पहले वहाँ कानपुर में उसकी मृत्यु हो गई थी ट्रेन के चपेट में आने से, और वहाँ परिजनों का ये कहना था कि वहाँ जो उनको न्याय चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है, तो वो कैंडल मार्च करते हुए यहाँ आए थे और वही वहाँ की मांग कर रहे थे, उनसे कहा गया कि जो भी आपकी मांग है प्रत्यावेदन बना के दीजिए, तो वहाँ पे उसको भेजा जा सके, समझाने बुझाने पे सभी लोग चले गए और कोई बात नहीं। सर जाम लगाने का प्रयास किया था उन लोगों ने? जाम वाली कोई स्थिति नहीं थी, उनसे पूछा गया, समझाया गया, समझाने के बाद फिर लोग चले गए। तो हिंदू महासभा के नेता भी आए थे, जिन्होंने उनका नेतृत्व दिया था, ऐसा कुछ आपसे कुछ बात हुई थी? हम उनको पहचानते हैं। क्या आश्वासन सर मिला उनको, कैसे जाम खोला उन्होंने, क्या उनसे यही कहा गया कि जो भी आपकी मांग है वो प्रत्यावेदन बना के दीजिए, तो उसको वहाँ भेजा जा सके। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई चौराहे पर? पहले से फोर्स यहाँ मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां जनपद की चंदौसी में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, उसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के हनुमानगढ़ी का है, जहां पर स्थित डॉक्टर अनुविंद के अस्पताल में महिला को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। मृतका की सास का कहना है कि जहां पर डॉक्टर ने महिला के गांठ का ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हमने शिकायत करी, भैया इसे क्या हुआ, तुमने कैसा इंजेक्शन लगा लिया? बोले नहीं इसे कहीं अलग भेजा है। हाँ ऐसा था। कहाँ भेजा? उसमें भेजा पार्थ में, पार्थ में बीरेस के भेजा, बीरेस ने मतलब उसे उतारा भी नहीं था, उसी हिसाब से उसे मुरादाबाद भेज दिया था बीरेस ने। और कुछ ट्रीटमेंट दिया था डॉक्टर बीरेस जी ने? नहीं दिया है ना ट्रीटमेंट, और जो भी कागज है वो भाई को होंगे। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद में वहाँ पे पहुंची हम अस्पताल, वहाँ अस्पताल पहुंचने के बाद में इसे वहाँ पे अस्पताल में गया, मतलब चेकअप वगैरह करते हैं, जब इसमें कुछ नहीं था तो आधे घंटे में वापसी भी कर दी, फिर हम लेके आए। फिर हॉस्पिटल पर क्या हुआ जाके? फिर वापस हॉस्पिटल गए थे आप? वापस हॉस्पिटल गए। क्या हुआ वहाँ? वापस हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जो है मीनाक्षी अरविंद हॉस्पिटल बंद करके ताला मार के चला गया था, सारे मरीज भी गए थे उसके। हाँ 2001 का कंप्यूटर था वो अंदर बंद रहे, मेरे लड़के की बहू, मैंने कल ऑपरेशन कराया था मीनाक्षी अरविंद के यहाँ, तो मैं लेके गई थी इसे, मैंने कही भैया गारंटी भर लेना, बोली हाँ बेटा मैं गारंटी भर लूँगा, तुम्हारे बेटा को कुछ नहीं। प्रॉब्लम क्या थी इनको? मैंने ऑपरेशन हुआ कराया था, अब उसके बाद में 6 बजे तक, 6:30 बजे तक बेहोश रही, 6:30 बजे तक बेहोश रहने के बाद में फिर हाथ पैर तो फेंक ही गई, अब उन्हें लगा दिया इंजेक्शन, जो 6:30 बजे हमने इंजेक्शन लगाया है उसी में उसका काम हो गया, ये हुआ है। वापस हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जो है मीनाक्षी अरविंद हॉस्पिटल बंद करके ताला मार के चला गया था, सारे मरीज भी गए थे उसमें। हाँ 2001 का कंप्यूटर था वो अंदर बंद रह गई थी उसमें, सुबह निकली अभी, और फिर उसमें पुलिस वगैरह भी आ गई थी, हमने रिपोर्ट वगैरह। ये घटना रात की है? हाँ रात की। अच्छा सुबह क्या हुआ, सुबह कोई बात हुई? फिर सुबह ही हुई बात, हम उसके हॉस्पिटल पहुंचे, मैंने कही अगर तुमने उसे नहीं मारा है तो हमें इंसाफ दे, मतलब हमारे सामने तो के आके अरे भैया, फिर हमने उनसे कही, मैंने कि भैया मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल जाने के बाद में उसका हॉस्पिटल बंद था, उसके बाद में फिर हमने उसका गेट
खोला है, मतलब खूब झटके मार मार कर उसका गेट हमने खोल दिया था। जब खोल दिया था तो भैया गुस्सा आने गया, हमारा बच्चा, जब हमारा बच्चा देखता गया है तो हम गुस्सा भी नहीं गए, तो भैया थोड़ी बकर गेट ही फटकाया बस। फिर उसके बाद हम पुलिस आ गई, जब पुलिस आ गई तो उन्होंने देखा ही अगर तुम ज्यादा हंगामा करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। आपके यहाँ कुछ अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ हंगामा हुआ, आप पे आरोप, गंभीर आरोप लगाए या किसी महिला की मौत हुई, क्या है पूरा मामला? एक महिला का ऑपरेशन हुआ था, पूर्ण बेहोश करके, बेहोशी से होश में आने में जितना समय लगता है उससे पहले ही उन्होंने कप से पानी पिला दिया, जबकि उन्हें मना कर रखा था कि कुछ भी मुँह से नहीं देना, और उसके बाद उसने उल्टी करी, उल्टी उसके सांस के रास्ते में गई और उसको निकालने की भरसक कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद उसको पूरा साफ नहीं कर पाए और इस ढंग से एक्यूट इनहेलेशन निमोनाइटिस नहीं, और उस एक्यूट इनहेलेशन निमोनाइटिस से सडन डेथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरदोई से, जहां बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे परम आदरणीय श्रद्धेय राम भक्त पद्म विभूषण स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि पर शत शत नमन किया गया। आपको बता दें कि शाहबाद हरदोई परम आदरणीय श्रद्धेय राम भक्त राम जन्मभूमि पर श्री राम जी के मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पद्म विभूषण स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धेय बाबूजी की मूर्ति का अनावरण परम आदरणीय पूजनीय श्रद्धेय माननीय शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी हरदोई द्वारा किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां परचास पुलिस ने बीते 28 जुलाई को हुई चोरी के मामले में करण कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है। सोला गी डी निवासी महादेव साव ने बीते 28 जुलाई की रात अलमारी तोड़कर 1.5 लाख रुपए नगद और सोने एवं चांदी के जेवरात चोरी किए जाने की शिकायत 30 जुलाई को पुलिस से की थी। पुलिस ने इस मामले में वादी महादेव साव के पुत्र करण कुमार को चोरी किए गए जेवरात के साथ जैना मोड़ स्थित महतो साइट से किराए के मकान से गिरफ्तार किया है। थाना प्रावधान दिए थे उनके घर में अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में ताला तोड़कर अलमारी से जेवरात और पैसे की चोरी कर दिया गया। कांड दर्ज कर पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो के आदेशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चास के नेतृत्व में टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में करण कुमार को जरीडी से जो जैना मोड़ में भाग कर एक किराए के मकान में रहते थे उनको गिरफ्तार किया गया। उनके अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस कांड में चोरी गए गहना बरामद हुआ तथा नया मोड़ से भी उनके द्वारा दिया गया था खाद, उसको भी बरामद किया गया है। पूर्व में भी सर अपराधी इतिहास जांच किया जा रहा है, इसमें उसको भी बाकी है क्या गिरफ्तारी ना, अभी तो जांच चल रहा है। किस तरह से सर घटना को अंजाम ये लोग देते थे? ये दीवार फांद कर पीछे से, और जब देखते थे घर में कोई नहीं रहता है और उसके बाद घर में जाके ताला तोड़ के चोरी, किसी सक्रिय विरोध का संबंध जांच किया जा रहा है। सर अकेले किसके साथ कोई और? अकेले का अभी तक अनुसंधान में अकेले आया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।